अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो ये सेटिंग्स कर लो, आपके ये वाले सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाएंगे, फिर सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा या फिर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन को ढूंढकर ओपन कर लेंगे, फिर हमारे एयरटेल का सिम कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, हो सके तो उसे सिम वन में रखो। फिर एक्सेस पॉइंट नेम या फिर APN का ऑप्शन अपने फ़ोन के हिसाब से ढूंढकर ओपन कर लेंगे। फिर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके या फिर अपने फ़ोन के हिसाब से रीसेट एक्सेस पॉइंट्स या फिर रीसेट APN टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन पर क्लिक करके उसे कर लेना। फिर आपको आपका डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग जो भी होगा वो सिलेक्टेड देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपने फ़ोन के हिसाब से प्लस आइकन या फिर क्रिएट न्यू APN का ऑप्शन ढूंढकर ओपन कर लेंगे। फिर आपको कुछ ऐसा एम्प्टी फॉर्म देखने को मिलेगा, तो अब इसमें मैं आपको जो वैल्यूज बताऊंगा वो आपको फिलअप करनी है सेम टू सेम वैसे ही, सो बहुत ही ध्यान से देखना। तो नेम के अंदर आपको सबसे पहले लिख लेना है एयरटेल इंटरनेट प्लस, आपको नेम में लिख लेना है AIRTEL एयरटेल INTER इंटरनेट PLUS प्लस, एयरटेल का A कैपिटल, इंटरनेट का I कैपिटल, प्लस का P कैपिटल। सो नेम में आपको लिख लेना है एयरटेल इंटरनेट प्लस, सेम टू सेम। फिर APN के अंदर फ्रेंड्स आपको जाकर लिख लेना है एयरटेल GPRS.com, सब कुछ स्मॉल में और एक साथ AIRTEL airtel gprs.com। सो APN में आपको लिख लेना है airtel gprs.com, ऐसे ही लिखना एकदम। फिर प्रॉक्सी को फ्रेंड्स नॉट सेट रहने दो, पोर्ट को भी नॉट सेट ही रहने दो। यूज़र नेम के अंदर आपको जाकर लिख लेना है speedbot.internetplus, इसमें स्पीड का S कैपिटल रहेगा, बॉट का B कैपिटल, इंटरनेट का I कैपिटल और प्लस का P कैपिटल। सो यूज़र नेम में आपको लिख लेना है speedbot.internetplus, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही देखकर लिख लेना फ्रेंड्स। फिर पासवर्ड को भी नॉट सेट रहने दो और सर्वर के अंदर हमें जाकर लिख लेना है फ्रेंड्स www.airtel.in, आपको सर्वर में लिख लेना है www.airtel.in, सब कुछ स्मॉल में और एक साथ। फिर MMSC को नॉट सेट रहने दो, MMS प्रॉक्सी और MMS पोर्ट को भी नॉट सेट छोड़ दो। MCC और MNC आपके एरिया वाइज अलग वैल्यूज़ होती है, तो क्या आपके एरिया वाइज जो वैल्यू होनी चाहिए वही है या नहीं, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना एक बार। फिर ऑथेंटिकेशन टाइप में फोर्थ ऑप्शन PAP और CHAP सेलेक्ट कर लो। और APN टाइप के अंदर फ्रेंड्स आपको लिख लेना है DEFAULT डिफ़ॉल्ट, एकदम स्मॉल में और एक साथ। APN में आपको लिख लेना है डिफ़ॉल्ट, DEFAULT डिफ़ॉल्ट, APN टाइप में लिख लेना है डिफ़ॉल्ट। फिर APN प्रोटोकॉल के अंदर फ्रेंड्स आपको IPv4 से सिलेक्शन हटाकर ले आना है IPv4/IPv6 वाले पर, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी थर्ड ऑप्शन IPv4/IPv6 पर सिलेक्शन ले आना है। फिर बियरर में अनस्पेसिफाइड पर टिक होगा तो उसको हटाकर आपको सिलेक्ट कर लेना है LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE और GPRS, आपको ये सभी वाले यानी कि पहले 8 वाले सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप में मल्टीपल बियरर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं फ्रेंड्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ LTE को ही सिलेक्ट कर लेना है, बाकी सब लोग ये सभी वाले बियरर सिलेक्ट करो और हमारे APN को सेव कर लो। फिर आपको हमारा सिलेक्शन एयरटेल इंटरनेट प्लस वाले पे ले आना है। अगर आपका ये वाला APN सिलेक्ट नहीं होता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो को एक लाइक भी कर लो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी 150K में हेल्प करो। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो और मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक है, उधर भी मुझे फॉलो कर लो।